सभी को मेरा प्रणाम। मेरे साथ दिक्कत है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपको ये सुविधा है कि आप मुझको देख पा रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन चीजों का प्रयोग बहुत जरूरी है। हमको आपको सबको इसकी बात माननी चाहिए, सरकार की बात माननी चाहिए। पिछले शुक्रवार को मैं थोड़ी देर के लिए आपसे मुखातिब हुआ था और मैंने कहा था कि अगले शुक्रवार को मैं फेसबुक पर आपके समक्ष आऊंगा। मैं मुझको तो फेसबुक चलाना नहीं आता, मेरे मोबाइल में फेसबुक है भी नहीं। अन्नू बाबू का मोबाइल है, उसी पर फेसबुक हो रहा। COVID-19 के आतंक से हम जूझ रहे हैं। मैंने पिछली बार ही कहा था जीतेंगे हम ही। ये पूरा देश, पूरी धरती, भारत भूखंड शिव की सुगंध से भरा है और शिव के लोग कभी किसी समस्या से हारे नहीं है। लड़े जरूर हैं लेकिन विक्ट्री इज वेरी आवर्स। जीत जीतेंगे हम ही, जीतते रहे। श्री गुरु की बात सन 1980 से चल रही है, अब तो व्यापक हो चली है देश विदेश सारी जगहों पे। एक बात समझनी होगी, एक बात पे ध्यान देना होगा। ये शिव चर्चाएं जो चल रही हैं अभी तो लॉकडाउन में बंद है, 30 जून तक बंद भी रहेंगी सभी चर्चाएं। तो शिव गुरु की बात गल्प नहीं है, मात्र बातचीत और वार्तालाप नहीं है, एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है, जिसको मैंने पिछली बार भी कहा था, एक भाव है, एक दर्द है। हम आपको उस दिशा पर ध्यान देना होगा, भाव की दिशा पर ध्यान देना होगा। भाषा जरूरी है, भाव को शब्द देती है भाषा, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में बिना भाव के कोई कदम नहीं रखे जा सकते। भाव की ही कुंजी है जिससे अध्यात्म के सभी ताले खुलते हैं, वो नीचे के स्तर के हों या शिव के मामले में हों। देखते हैं क्या जिज्ञासाएं आपने भेजी हैं, कोशिश करते हैं हम यथासंभव उसका समाधान ढूंढ पाएं। क्या जी, सर्वप्रथम तो भारत और भारत के अलावा और देशों से आपके वैवाहिक वर्षगांठ पे बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं और आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ काफी सारे संदेश आए हैं, तो आपके तरफ से कुछ आशीर्वाद हो जाता। आशीर्वाद के लायक तो मैं हूं नहीं, धन्यवाद दूंगा, बधाइयां आपको दूंगा, आपने शुभकामना भेजी है। हाँ, अधिकतर जो बाहर से शुभकामनाएं आई हैं, आपको मालूम है कि मेरी पत्नी 2005 में ही गुजर चुकी हैं, तब भी शुभकामना है। मेरे लिए तो शुभ दिन रहा ही है जी। अरुण सुनैया है बिहार से। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुरु हमारे प्रारब्ध में लिखे कर्म फलों को काट सकते हैं या नहीं। पहले प्रारब्ध को समझिए, सवाल है कि गुरु हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं कि नहीं। अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते तब तो लाखों लोग हैं जो अपने प्रारब्ध, अपने कर्म बंधनों के अंतर्गत चल रहे हैं। गुरु अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते, प्रारब्ध का अर्थ हुआ, इसके दो अर्थ होते हैं,
एक तो हुआ संचित कर्म जो हमने पहले कभी किया है और जिसका फल अभी बाकी है, एक प्रारब्ध होता है जिसका अर्थ है कि वह कर्म फल अब धीरे धीरे आ रहा है, जिसको भोग रहे हैं हम, वो सुख हो या दुख हो। तो ये प्रारब्ध को अगर गुरु नहीं काट सकते तब तो गुरु का काम ही नहीं चलेगा, जीव शिव की ओर चले गए नहीं, उनका शिष्य महादेव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। गुरु तो बहुत बड़ी सत्ता है, शिव गुरु के रूप में तो सर्वोच्च सत्ता है वो। गुरु भाव आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, गुरु भाव ही खंडित कर देता है। गुरु भाव में सब सम्मिलित है, नमः शिवाय भी है, शिव की दया भी है, शिव चर्चाएं भी हैं। गुरु भाव ही आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, लेकिन सही गुरु जो होते हैं वो उतने ही प्रारब्ध को खंडित करते हैं जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा देते हैं, और उस बाधा भी अगर आएगी तो उतना प्रारब्ध हट जाएगा जिससे आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। प्रारब्ध तो रहता ही रहता है जीव के साथ, कोई भी जीव हो, इंसान हो या मानवेतर प्राणी हो, प्रारब्ध तो रहेगा, कर्मफल तो रहेगा। गुरु भाव ही कर्म फल को दग्ध करता है, उसको खंडित करता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है कि शिष्य उस मार्ग पर चल सके और कर्म फल यानी प्रारब्ध उसको उस दिशा में बाधा कम दे। ऐसी बाधा तो नहीं ही दे, अवरोध ऐसा है नहीं दे कि हमारा आपका आगे बढ़ना, उन्नयन होना हमारा आपका रुक जाए। वैसे हमेशा जान लीजिए कि जिंदगी में खराब समय आता है, जब भी आप चलते हैं सड़कों पे तो खराब सड़कें आती हैं आपके मंजिल तक और उन सड़कों से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रैक्टर से खराब सड़कों पर गुजरे आप तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, शरीर की थकान बढ़ेगी, लेकिन उसी उन्हीं खराब सड़कों में अगर अच्छी गाड़ी से गुजरें, स्कॉर्पियो से गुजरें, बेलेरो से गुजरें, अच्छी गाड़ी से गुजरें तो आपको जर्क कम होगा, ये महसूस होगा क्योंकि रास्ते खराब हैं, लेकिन शरीर में दर्द कम होगा, थकान कम होगी। मैंने कहा जिंदगी में शिव की सवारी ले लो, शिव की सवारी ले लो, वो खराब सड़कें जब आएंगी तो आपको महसूस होगा कि खराब समय जा रहा है, असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे 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 हिचको दिखाते निकल जाएगी, आपका एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गुरु प्रारब्ध को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, दर्द करते हैं, गुरु तो बहुत ऊपर की सत्ता है, गुरु भाव ही उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है, लेकिन सारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते। जिन प्रारब्धों को भोगने की विवशता हमको आपको है, जो हम नहीं चाहते हैं भोगना, वो खंडित होते हैं, बाकी प्रारब्ध खंडित नहीं होते। जी भाई विष्णु देव जी हैं जॉर्डन से, मेरे कहने से कोई शिव की दिशा में नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? साधारण से बात है, कितने पुत्र हैं जो पिता की बात पे चलते हैं, हम आप बड़ों की कितनी बात मानते हैं, तो हमारे आपके कहने से कोई शिव की वो थोड़ी देर मुखातिब हो सकता है, थोड़ी देर वो प्रेरणा प्रेरित करने से वो शिव की ओर चल सकता है, लेकिन चल नहीं पाता है, वो चलेगा नहीं। वो श्मशान वैराग्य का नाम हमने आपने सुना है, श्मशान में जब हम किसी की लाश जला जाते हैं, वो परिजन हो या जो, तो वहां लगता है कि सब कुछ यहाँ बेकार है, और फिर श्मशान से जैसे बाहर हम आप निकलते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं, दुनिया के बाउंडर में मन बहुआता घूमता। तो शिव चर्चाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप भाषण दे रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं आप लोगों के बीच, या किसी को समझा रहे हैं या समूह को समझा रहे हैं। जब तक आपके शिव चर्चा में शिव भाव से उस व्यक्ति को या समूह को जोड़ने की मंशा नहीं होगी, तब तक ये चर्चाएं
बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली है। कहीं समझिए इसको कि आदमी वक्ता नहीं है, बकर बकर कर रहा। भोजपुरी में ना बकर बकर करता, बकर बकर कर रहा। शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर निहित नहीं है, हमारे आपके मन में शिव के प्रति अगर लगाव जुड़ाव नहीं है, वो भाव हम लोगों के मन में नहीं है, तो हमारी आपकी शिव चर्चा थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती है। सुंदर शब्द हो, शब्दों का सुंदर जाल हो, सम्मोहक शब्द हो, तो भले हो सकता है कि 1-2 लाख आप भीड़ जुटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, बोली भाई जनता तो पहुंच ही जाएगी शिव नाम पर, शिव की चर्चा के नाम पर, लेकिन उसका प्रभाव उनके अंतर्मन पर बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। जब आप शिव भाव से चर्चा करेंगे, जब ये सोच के करेंगे कि मेरा गुरु, मेरा महादेव, उस सुनने वाले का भी महादेव हो जाए, तब ये चर्चा प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखिए, शिव चर्चाओं में शिव भाव अगर अंतर्निहित नहीं है, शिव भाव से ओतप्रोत अगर शिव चर्चा नहीं है, तो इस शिव चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है, इसका प्रभाव भी बहुत क्षणिक होता है। जी भाई, अजय अग्रवाल है कटिहार बिहार से। क्या शिष्य को गुरु आदेश और उसके पालन में विचार और समीक्षा करने का हक है? बिल्कुल साधारण सी बात है, गुरु आदेश पर जो भी गुरु ने आदेश दिया हो, हमारे आपके गुरु ने जो भी कहा हो, शिव तो कुछ अपने शिष्यों को कहते नहीं, उस आदेश पर अगर आप उसके कार्यान्वयन पर विचार करें तब तो ठीक है, लेकिन उसके औचित्य पर क्या कहा गुरु ने, सही है कि गलत है, यह विचार करने का हमको आपको अधिकार नहीं है, और हमको आपको इतनी समझ भी नहीं है। हम तो अपनी समझ से करेंगे, हम तो अपनी बुद्धि से करेंगे, लेकिन गुरु जो कहते हैं उनको बहुत दूर तक दिखता है। सुना है आपने, कहा जाता है कि जीवात्मा 10,000 साल के बाद, जीवात्मा 10,000 साल के बाद क्या सोचेगी, शिव जानते हैं। वो जो आदेश देते हैं उसको बहुत, वो लंबा होता है, बहुत लंबा समय लेके चलता है जीव के लिए, इसीलिए उसकी समीक्षा करना, आदेश की समीक्षा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा स्वभाव शिष्य का नहीं होना चाहिए। शिष्य शब्द की व्याख्या देखिए, शास धातु से बना, जिसका अर्थ होता है शासन, प्रशासन, अनुशासन। शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, शिष्य यानी कोई गुरु होगा, शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु ने कहा आम ले आओ, आप उंगली ले आ रहे, गजब वाले आपका। गुरु ने कहा शिव चर्चाएं करो, इस उद्देश्य से करो कि लोग, तुम भी शिव से जुड़ो, दूसरे भी शिव से जुड़े। हम आप शिव चर्चा करते हैं पैसे के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, ये तो शिव चर्चा नहीं है, ये तो ढकोसला है, ये दूसरों को उल्लू बनाने का तरीका है। शिव चर्चा जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं और लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। अगर शिव भाव है तो थोड़ा कम समय लगेगा, शिव भाव नहीं है तो ज्यादा समय लगेगा। संगति का भी असर होता है, सानिध्य का भी असर होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। शिव भाव रहेगा तो वो सचमुच में शिव का शिष्य बनेगा, शिव से जुड़ेगा, शिव का सानिध्य भी उसको मिलेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट जी, भाई आशीष जी हैं पूर्णिया से। शिव शिष्यों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए, खुद शिव का शिष्य होना या फिर दूसरों को शिव का शिष्य बनाना, जबकि शिष्य तो शिष्य नहीं बनाता है, शिष्य तो गुरु बनाते हैं। बिल्कुल सही है, शिष्य का काम शिष्य बनाना नहीं होता। शिव गुरु चर्चाओं में शिष्य बनाने की परंपरा की शुरुआत जो हुई, उसके पीछे मंशा दो थी। एक मंशा थी कि आप भी समझें कि शिव गुरु हैं, और दूसरा भी समझे कि शिव गुरु हैं। और जब तक हम आप समझेंगे नहीं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, तब तक पुत्र का भाव नहीं जगेगा, तब तक शिष्य का भाव गुरु के प्रति नहीं जगेगा।
इसीलिए शिव चर्चा का ये अर्थ, एक यह भी अर्थ प्रयोजन है कि आप खुद समझें कि शिव आपके गुरु हैं। जैसे ऐसे समझेंगे शिष्य भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, और जब तक नहीं समझेंगे कि शिव आपके गुरु हैं, जब तक ये बात विचार में रहेगी, जब तक ये विचार घनीभूत नहीं होता है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये समझाने से होता है। अरब में कहावत है, जो बात नहीं समझ पाते हो दूसरे को समझाओ। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, और जैसे ऐसे समझेंगे आप कि शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश में आसान है, अपने समझना बड़ा कठिन है, तो आपके गुरु शिव होने लगेंगे, शिष्य भाव बढ़ने लगेगा। इसीलिए शिव गुरु चर्चा का विधान है। अभी तो लॉकडाउन है, 30 जून तक हमने कहा कि कोई चर्चा नहीं होगी। अरे भैया, जीवन रहेगा तब ना गुरु चर्चा, क्योंकि शिव को पाने के लिए गुरु चर्चा एक माध्यम नहीं है। उनके नमः शिवाय भी हमने कहा है आपको करने को, दया मांगने को भी कहा है, मैंने तो पिछले बार भी कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु माना तो 8 वर्षों तक तो मैंने कोई चर्चा की ही नहीं, मुझको पता ही नहीं था, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं। मैंने भगवान शिव को गुरु समझ के गुरु अपना बना लिया, और 8 वर्षों तक तो मैंने कुछ कहा नहीं। जब मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु हैं, अनुपम गुरुपद है इनका जो मेरे साथ हुआ, तब मैंने लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि भैया महादेव को गुरु मानिए, उनको अपना गुरु मानिए, हमको आपको शिव को गुरु मानने से गुरु नहीं हो जाएंगे, वो तो गुरु हैं। हमको आपको ये मान लेने से कि स्कूल चलता है, हम आप उसके उसका ज्ञान नहीं ले पाएंगे। हमको आपको जुड़ना होगा, स्कूल को अपना स्कूल बनाना होगा, गुरु को अपना गुरु बनाना होगा। डॉक्टर को ही हम लोग बहुत जानते हैं कि फलाना डॉक्टर है रांची में या पटने में, लेकिन क्या हमारा आपका इलाज हो रहा है? बीमारियां हैं और इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि वह डॉक्टर मेरा डॉक्टर नहीं, हम लोग मैं उसके दरवाजे गया ही नहीं, मैंने संपर्क किया ही नहीं। ठीक उसी तरह शिव तो गुरु हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, तो गुरु रहेंगे, अधिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ईश्वर ही तो गुरु कैसे नहीं, उनको अपना गुरु बनाना होगा। और एक बात जान लीजिए, जो सबका होता है वह बहुत कम आदमी का अपना होता है। सार्वजनिक सत्ता, सार्वजनिक व्यक्ति होता है बहुतों का, लेकिन निजी बहुत कम का होता है, अपना बहुत कम का होता है। रेलगाड़ी सबकी है, किसी की निजी नहीं है, कोई उसको निजी समझता ही नहीं। सरकारी सामान हम लोग निजी समझते हैं? नहीं समझते हैं। सरकारी गाड़ी का उपयोग मैंने 32 साल किया है, अपना कहाँ समझते हैं? ट्रांसफर हुआ, गाड़ी छूटी, क्वार्टर छूटा, खत्म। तो सार्वजनिक शिव सबके हैं, सभी जानते हैं कि सबके हैं, घर घर में उनकी पूजा होती। यह जानने से हमारे आप में कोई परिवर्तन नहीं होने को है, उसको अपना बनाना होगा। जैसे अपनी चप्पल, यहां 10 आदमी बैठे हैं, सामाजिक दूरी बना के बैठे, इनके चप्पल कहाँ हैं? चप्पल इनको नहीं कहेगी भैया दीदी हम एजा छी हमरा पहन ला, नहीं कहेगी। इनको पता है कि मैंने चप्पल कहाँ खोली और मेरी चप्पल कैसी है, इनको पता है कि इनके जेब में पैसे कितने हैं, पैसे नहीं बोलते, वो निर्जीव है, लेकिन इनके हैं इसीलिए इनको पता है। आपके भी जब शिव अपने हो जाएंगे ना, तो किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही ज्ञान मिलने लगेगा कि शिव कैसे हैं, मेरा गुरु कैसा है, खुद ही होने लगेगा। जी, भाई संगम है भागलपुर से, साहब आपके जीवन में मात्र एक सोच, एक विचार, एक भाव आया और अस्थाई हो गया और आप शिव के शिष्य हो गए, वही सोच विचार भाव हम लोगों के जीवन में कैसे अस्थाई होगा ताकि सचमुच में हम महादेव के शिष्य बन पाए? इसका सही उत्तर तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिएगा, बहुत लड़के हैं जो बचपन से बहुत शौक से क्रिकेट खेलते हैं, यहां तक कि माँ पिता कहते भी हैं क्रिकेट से क्या होगा, जो पढ़ता क्या नहीं है, तब भी वो मौका निकाल के क्रिकेट खेलने चला जाता है, और एक दिन उसका नाम देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। तो किसी को किस चीज का शौक है
किसकी प्रवृत्ति किस दिशा में है इसकी व्याख्या तो बहुत कठिन। ये मुझको बचपन से ही था कि साधु लोग पहले आते थे, मेरे पिताजी अफसर थे, तो कुछ चमत्कार दिखा दें, कुछ ही कर दें, जो चलता है मुझको लगता था कैसे करता है। नहीं बुझाता था तो उसको मैं उससे लड़ जाता था, ठगा। ये उत्सुकता, ये उत्कंठा मेरी मरी नहीं, और इसीलिए 15 साल तक कभी ये साधना, कभी वो साधना, कभी श्मशान हंटम संटम करता रहा, कहीं कुछ नहीं मिला। वो ये ढाक के 3 पार, आपको मालूम है कि एक रात मैंने श्मशान में 2 बजे खुद ही सोचा, तंग आ गया था, दुखी था, पढ़ाई भी चौपट, गार्जियंस भी नाराज, अभिभावक भी नाराज, पढ़ता लिखता नहीं है इसे क्या करता है, कि गुरु ईश्वर होते हैं, महेश्वर होते हैं, तो महेश्वर गुरु क्यों नहीं। खुद रात के अंधेरे में सोच रहा था, मैंने सुना था कि शिव महेश्वर को कहते हैं, मेरे पिताजी बताया करते थे मेरी मां को, मैंने महेश्वर समझ के, ईश्वर समझ के शिव को गुरु मान लिया। आई वॉज नॉट नोइंग दिस कि शिव गुरु, मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु, और उस दिशा में बढ़ा। अब तो मुझको मदद मिल गई, नमः शिवाय मिल गया, और मेरी तो शर्त थी आदमी से सीखूंगा नहीं, उस दिशा में बढ़ता चला गया। नौकरी में भी वो मेरा शौक रहा, दिन भर सरकारी काम, रात में शिव गुरु की बातें, तो एक लगन थी। और जहां तक हमारे आपके मन में ये बैठ जाना कि शिव मेरे गुरु हैं, इसका स्थायी तो हो जाना, इसके लिए 3 सूत्र दिए गए। जब भी मौका मिले 3 सूत्र में कोई ना कोई करिए। मन जब लगा रहेगा ना किसी चीज से तो उसको अपना समझने लगता है, उससे जुड़ जाता है, तो शिव से भी जुड़ जाए। जी भाई संदीप स्वामी है सुपौल से बिहार, शिव शिष्यता में शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिष्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने कहा कि जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो, जो गुरु की मंशा है वैसा हम आप करें, और शिव का जो जो आचरण संसार में है हमको आपको कोशिश करनी होगी कि वैसा आचरण हम आप प्रस्तुत करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा, आदत हमको आपको डालनी चाहिए। देखिए शिव सांप को भी रखते हैं, चूहे को भी रखते हैं, बैल को भी रखते हैं, बाघ को भी रखते हैं, वहां कोई अंतर नहीं आता है। शिव भाव की परिधि में लोग अपना जन्मजात गुण छोड़ दे रहे हैं। सांप चूहे को खाता, बाघ बैल को मारता, मोर सांप को खाता है, शिव परिवार में सभी। तो हमको आपको भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए, ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। शिव साधुता की पराकाष्ठा, गृहस्थ जीवन की पराकाष्ठा। हमको आपको भी घर को घर रहने देना चाहिए। मैंने कहा भी है घर को मसान मत बनाइए, घर की अपनी गरिमा होती है उसको बना के रखिए, साधुता की एक गरिमा होती है उसको बना के रखिए। शिव तो गृहस्थों के भी आदर्श हैं, साधुओं की पढ़ाई की भी पराकाष्ठा है, उनके भी आदर्श हैं। तो हमको आपको वैसा ही बनना चाहिए, असामाजिकृत। हमको आपको शिव मार्ग में, शिव शिष्यता के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करेंगे उसको छोड़ना चाहिए। जी बहन रीता शर्मा है मुजफ्फरपुर बिहार से, आध्यात्मिक साहित्य जो प्राचीन समय से हम लोग चलाया और हमारे पास उपलब्ध है, ये मात्र जानकारियों का संग्रह है अथवा शिव के लिए आकर्षण भी पैदा कर सकता है? जानकारियां हमेशा याद रखिएगा, जानकारियां इल्म नहीं है, जानकारी से आपको हुनर नहीं मिलेगा। यू कांट नो द टेक्निक। जानकारी जानकारी है, सूचना सूचना है, सूचना नॉलेज नहीं है। तो जानकारियां जानकारियों से थोड़ा भाव तो जगता है। शिव के बारे में जानकारी बड़ी
अगर मन को अच्छा लगा थोड़ा भाव बढ़ता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। जब तक आप वो करेंगे, वो पानी का टंकी देखा है जो छत पर लगी रहती है पानी की टंकी, दो तीन पाप नल से उसमें पानी भर दीजिए, वो उपनिषद का नल हो, पुराणों का नल हो, समाज से सीखा नल, ज्ञान का नल हो, शास्त्रों का नल हो, ग्रंथों का नल हो, सबसे पानी टंकी में भर दिया है आपने, जानकारी आपको हासिल हो गई। ये पानी शुद्ध नहीं है, कुछ दिनों में सड़ जाएगा। भले लोगों के बीच आप उस पानी का नल खोलेंगे तो लोग कहेंगे उपनिषद का बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का भाई साहब को बहुत ज्ञान है, ग्रंथों का इनको बहुत ज्ञान है, भजनों का इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन पानी सड़ गया है, दूसरे पिएंगे तो हानि करेगा वो जल। शुद्ध जल लाने की कोशिश करिए। कुएं का जल जितना निकलता है उतना ही नया जल भीतर से फूटता है, भीतर से आता है, हम सब जानते हैं। गुरु आपको कुआं बनाते हैं, गड्ढा नहीं बनाते, पानी की टंकी नहीं बनाते। जानकारियां ठीक हैं, लेकिन जानकारियां कहीं जमा हो गई तो वो श्राद्ध पैदा करेगी, समाज के लिए कोई लाभ इससे नहीं मिलेगा। नीति श्लोक बन के रह जी। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप सबों को मेरा प्रणाम।